आखिर ये दोनों कौन है जो भारत में वायरल हो रहे हैं? भारत का अमीर मंदिर कौन सा है? पेपर यानी कागज कैसे और किन चीजों से बनता है? रबड़ यानी टायर किन चीजों से बनता है? वह कौन सा किला है जो हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है? अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही लाइक शेयर और अपनी राय कमेंट्स बॉक्स पर जरूर दें। आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं जाने कौन है पुष्पा गाने पर लिपसिंग करके सोशल मीडिया सेंसेशन बने तंजानिया के किली पॉल और नीमा है। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर स्टार्स किली पॉल और उनकी बहन नीमा ने भारतीय गाने पर रील शेयर कर इंटरनेट पर धूम मचा दी है। इनके इस वीडियो को इंडिया ही नहीं विदेशों से भी प्यार मिल रहा है। त्रिवेंद्रम में पद्मनाभ स्वामी मंदिर भारत का सबसे अमीर मंदिर है। ये मंदिर तिरुवनंतपुरम शहर के बीच स्थित है। इस मंदिर की देखभाल त्रावणकोर के पूर्वी शाही परिवार द्वारा की जाती है। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित इसके खजाने में हीरे सोने के गहने और सोने की मूर्तियां शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार मंदिर के 6 तिजोरियों में कुल $20 अरब की संपत्ति है। यही नहीं, मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की बहुत बड़ी सोने की मूर्ति विराजमान है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपये है। आखिर कागज कैसे बनती है? पेड़ों का चयन। कागज बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों का चयन किया जाता है। इस दौरान उन पेड़ों को चुना जाता है जिनकी लकड़ी में रेसो फाइबर की मात्रा अधिक होती है। कागज बनाने के लिए मुख्य तौर पर सेल्यूलोज को उपयोग में लाया जाता है। सेल्यूलोज एक चिपचिपा पदार्थ है जो पेड़ पौधों की लकड़ियों में मौजूद रहता है। रबड़ यानी टायर बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? टायरों के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला मुख्य कच्चा माल रबड़ है। टायर बनाने की प्रक्रिया में प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ दोनों का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के पेड़ों के छाल में दुधिया तरल के रूप में पाया जाता है। टायर निर्माण में प्राकृतिक कच्चे रबड़ का उत्पादन करने के लिए तरल लेटेक्स को एसिड के साथ मिलाया जाता है जिससे रबड़ कठोर होकर जम जाता है। इसके बाद इस रबड़ को प्रेस करके अतिरिक्त पानी को निचोड़ते हैं और रबड़ को चादरों की शेप में बनाते हैं। फिर इन चादरों को लंबे स्मोक हाउस में सुखाया जाता है। इस तरह बनाए गए रबड़ को दुनिया भर के टायर कारखानों में भेज दिया जाता है। भानगढ़ किला। लोगों की माने तो इस भानगढ़ किले में रात में किसी के रोने और चिल्लाने की तेज आवाजें आती है। कई बार यहां एक साई को भी भटकते हुए देखने की बात कही गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। रहस्यमय घटनाओं के कारण पुरातत्व विभाग द्वारा भानगढ़ किले को भूतहा घोषित कर दिया गया है। किले के प्रवेश द्वार पर उनके द्वारा बोर्ड लगाया गया है जिसके अनुसार सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के उपरांत किले में प्रवेश वर्जित है।